हेलो किड्स, कैसे हैं आप लोग बेटे? आज हम करेंगे पार्ट 10 अध्यापिका की सीख। ठीक है, तो बेटे इस पार्ट में क्या है कि क्या बताया गया है हमें कि जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं, ठीक है, कि खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो हम बेटे दूसरों से जो है दूर हो जाते, हर कोई हमें इग्नोर करने लगता है, ठीक है। लेकिन जब हम सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं तो सभी जो है हमें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो इस बार पाठ में बेटे यही बताया गया है। देखिए, इसकी स्टोरी मैं आपको अभी सुनाती हूँ। क्या है इस पाठ में कि एक लड़का होता है संयम, वो अपने पापा के साथ नए स्कूल में बेटे दाखिला लेने के लिए जाता है। उसके पापा उसका दाखिला करवाने, दाखिला मतलब प्रवेश, एडमिशन करवाने जैसे जाते हैं नए स्कूल में, वहां उसको लेके जाते हैं। और वहां पे वो दाखिले की जो सारी कार्यवाही क्या होती है, जो सारा काम होता है दाखिले से रिलेटेड, फॉर्म भरना है, कुछ भी है ना, जो भी फॉर्मेलिटीज है, वो सब करने के बाद इसको क्या बोलते हैं, कार्यवाही, ठीक है। उसको करने के बाद जो है उसके पापा घर चले जाते हैं, और जो चपरासी होता है वहां का, मतलब प्यून जो होता है, वो जाके संयम को उसकी कक्षा में छोड़ आता है। कक्षा मतलब क्लास, ठीक है, उसकी क्लास में छोड़ आता है। वहां पे जो उसकी अध्यापिका होती है बेटे, वो उसका सभी बच्चों के साथ जो है वहां पे जान पहचान करवाती है, उनको सभी बच्चों के बारे में बताती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है संयम अपनी पूरी क्लास को ध्यान से देखता है, और फिर जाकर वो कहता है एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। तो अध्यापिका उसको बताती है कि जो अंकुश है बेटे, वो एक बहुत होशियार लड़का है। क्या है अंकुश? बहुत होशियार, मतलब समझदार, ठीक है, कि आपको जिस काम में भी कोई मदद चाहिए होगी, आपने जो कुछ भी पूछना है आप अंकुश से पूछ लेना, ठीक है। लेकिन संयम को ये बात अच्छी नहीं लगती, उसको अच्छा नहीं लगता कि जो उसकी अध्यापिका है वो अंकुश की प्रेज कर रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है, ठीक है। प्रशंसा करना, प्रेज करना, अच्छा था ना अंकुश लड़का, इसलिए अध्यापिका उसकी प्रशंसा कर रही थी, लेकिन संयम को ये अच्छा नहीं लगता। तो बेटे उसके बाद क्या होता है, जो आधी छुट्टी की ना घंटी बजती है, बेल बजती है ना जैसे, तो सारे बच्चे बाहर जाकर खाना खाने लगते हैं। तो जो अंकुश होता है वो संयम के पास जाता है, बहुत प्यार से उसको बोलता है कि आओ संयम, हम दोनों बैठकर खाना खाएं। लेकिन जो संयम होता है ना, उसकी उसको क्या कर देते हैं, अनदेखा। अनदेखा मतलब देखकर भी ना देखना, उसको देख लेते हैं लेकिन उसको अनदेखा कर देते हैं कि मैंने तेरे को जैसे देखा ही नहीं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जब छुट्टी होती है फिर से अंकुश संयम को जाकर प्यार से बुलाना चाहता है, लेकिन नहीं, वो बहुत ही जो संयम होता है ना, बहुत ही पूरा लाट साहब की तरह जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर, बड़ी गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है, और वो अंकुश की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। तो बेटे ये बात जो है अंकुश को और उसके सहपाठियों को अच्छी नहीं लगती है ना, कि ये कितना अपने आप पे ये घमंड करता है, कितना प्राउड करता है। वो जब भी बातें भी करता है ना संयम, क्या बातें करता है कि अपने घर के बारे में, मेरा घर बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, है ना। तो ये बातें करते हैं, ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती, और वो धीरे धीरे जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो संयम के साथ बोलना बंद कर देते हैं, ठीक है, उसको बुलाना बंद कर देते हैं। तो एक बार क्या होता है बेटे, आधी छुट्टी के समय जो संयम होता है ना, पेड़ के नीचे अकेला बैठा होता है उदास, और बाकी सारे फ्रेंड्स जो है ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तो अध्यापिका की जो दृष्टि होती है ना, दृष्टि मतलब नजर, वो संयम के ऊपर पड़ती है। वो जाकर देखती है कि संयम उदास बैठा है, और उससे पूछती है कि संयम तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, तुम भी बाहर जाकर ग्राउंड में वहां अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, सारे फ्रेंड्स के साथ खेलते क्यों नहीं हो। तो जो संयम होता है ना, वैसे रोने जैसा मुंह बना के क्या बोलता है कि मेरे को कोई भी बुलाता नहीं, मेरे को कोई भी फ्रेंड बुलाता नहीं। तो अध्यापिका उसको समझाती है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में जाओ, मेरे को आपसे कोई बात करनी है, आपको कुछ समझाना है, ठीक है। वो संयम को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है,
और वहां पे बेटी वो क्या करती है, अध्यापिका जो होती है वो दो गिलास लेती है, गिलास होते हैं ना पानी पीती हो, जिसमें दोनों गिलासों में क्या डाला होता है, पानी, ठीक है। वो दोनों पानी के गिलास में क्या करती है, एक गिलास में थोड़ा सा तेल डाल देती है और दूसरे गिलास में क्या करती है, थोड़ा सा दूध डाल देती है। जो दूध होता है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। आप देखते हो जो चाय बनाते हो कुछ भी है ना करते हैं घर में, दूध में हम पानी में दूध डालते हैं, वो उसी टाइम क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। लेकिन जो तेल है बेटे वो ऊपर तैरता रहता है, वो पानी में मिक्स नहीं होता। तो अध्यापिका उसको समझाती है कि बेटे आपने क्या, देखो आपको इस तेल की तरह ऊपर नहीं रहना, ऊपर तैरना नहीं है, अलग से नहीं रहना है, आपको दूध की तरह मिक्स होना सीखना है। जैसे दूध पानी में मिक्स हो गया, आपको भी सारे फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर रहना सीखना है। तो इससे क्या होता है, संयम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि मेरी गलती है ना, मैं सबसे अलग रहता था, अपने आप पे प्राउड करता था, घमंड करता था, तो उसको एहसास हो जाता है। और नेक्स्ट डे क्या होता है, अध्यापिका क्या देखती है कि जो संयम है वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेल रहा होता है, और यह देखकर अध्यापिका को बहुत ज्यादा खुशी होती है, ठीक है, क्योंकि अब संयम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो बेटे आपने क्या सीखा इस पाठ से, कि हमें कभी भी दूसरों से दूर रहकर घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है, फिर हमें बेटे कोई भी प्यार नहीं करता, भी मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं या मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर बहुत ही प्यार के साथ रहना चाहिए, ठीक है। प्यार के साथ रहते हैं तो सभी हमें प्यार करते हैं ना, ओके। तो देखिए इस बात में बेटे ये जो शब्द था, ये एक बार ध्यान से इनका मीनिंग एक बार फिर से देखो। दाखिला मतलब प्रवेश, एडमिशन, ठीक है। होशियार मतलब समझदार, सहपाठी, सहपाठी कौन होते हैं, साथ पढ़ने वाला, जो आपके साथ पढ़ते हैं ना बच्चे, एक साथ पढ़ते हो, उसको क्या बोलती हो, सहपाठी। कार्यवाही मतलब किसी काम को करना, अनदेखा करना, देखकर भी ना देखना, कि सब कुछ पता भी हो लेकिन ऐसे शो करो कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं है। घमंडी मतलब अहंकार, जो प्राउड करता है, ठीक है बेटे। तो ये है इनके वर्ड मीनिंग। अब आपने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है और इसको समझकर याद करना है। थैंक यू।